इस लड़के के हाथों से अचानक धुआं जैसा कुछ अजीबोगरीब चमकीला पदार्थ निकलने लगता है। एलेक्स उसे चेक करने के लिए इन्वर्टर के तार को पकड़ता है तो उसे पता चलता है उसके शरीर में 2000 से भी ज्यादा करंट दौड़ रहा है। गुस्से में वो तार बल्ब के ऊपर फेंक देता है जिससे वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एलेक्स अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि उसके शरीर में ऐसा हलचल क्यों हो रहा है। वो अपने स्कूल के कैंटीन में बैठा होता है, तभी एलेक्स की आंखें काफी ज्यादा दर्द देने लगती हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोल्ड ड्रिंक के मशीन से सारे के सारे बोतल बाहर निकल जाते हैं। एलेक्स इसे गूगल भी करता है पर उसे वहाँ उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर अगले दिन एलेक्स अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिनर आया होता है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी एलेक्स की आंखें फिर से दर्द देने लगती हैं। वो वहाँ से जल्दी वॉशरूम जाता है जहाँ उसके हाथ से वही चमकीला पदार्थ अधिक मात्रा में निकलने लगता है जिससे वहाँ पर की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में उसके सीने पर कुछ चमक रहा था। वो वहाँ से भाग कर जंगल में चला जाता है जहाँ उसका शरीर सुपरमैन की तरह धर्राटे काट रहा था और पानी की बूंदें उसे चारों ओर से घेर लेती हैं और तभी सब कुछ सफेद हो जाता है।